मैं सोच भी नहीं सकता था सारी जिंदगी सायरा के हाथों अजियत उठाने के बाद तुम इस उम्र में फिर से वही अजियत उठाने लगोगे। आप जानते हैं कि कभी कभी मैं ये सोचता हूं कैसा बाप हूं मैं, क्या दिया मैंने अपनी बेटी को सिवाय अधूरी हसरतों के और जुदाई के, क्या दिया मैंने उसे। वलीद, तुमने फातिमा को सारा के हवाले कर दिया था, वो तो वो बदनसीब है जो अपनी बेटी को छोड़कर चली गई तीन और बदनसीब बेटियों को जन्म देने के लिए। उन दिनों से भी तो मेरा बहुत करीबी रिश्ता है, मेरा ही खून है। हानिया के अलावा जोया और सालिया के सर पे भी तो मुझे हाथ रखना चाहिए ना। और हानिया, वो जो कुर्बानी दे रही है अपने खानदान का भरम रखने के लिए, वो मैं फैसला कर चुका हूं। तुम्हारा ये फैसला मेरा बहन की जिंदगी बर्बाद कर देगा। मैं बता चुका हूं कि जब तक वो मेरा नहीं चाहेंगी मैं अपने नाम को उनके नाम से अलग नहीं करूंगा। वाह, क्या खूब इंसाफ है तुम्हारा। खैर, तुम्हारी जिंदगी है, अपनी कश्ती को पार करवा लो या भंवर की नजर कर दो। इंसाफ तो आपका भी खूब है, उस वक्त भंवर आपको क्यों नहीं दिखाई दिया था जब मेरा गिरेबान पकड़कर आपने मुझे उसकी तरफ धकेला, उस वक्त क्यों नहीं रोका मुझे। मेरी गलत फहमी थी वली, मुझे लगा था कि सारा तुम्हारे खानदान में जाकर संवर जाएगी, रिश्तों की कदर जान जाएगी वो, लेकिन मैं गलत था। पर फातिमा मेरी अब कमजोरी है, मैं उससे अलग नहीं रह सकता वलीद, और मैं आता रहूंगा जब तक सारा तुम्हारी जिंदगी में नहीं आती, लेकिन उसके बाद मैं भी अपने दिल पर वही पत्थर रख लूंगा जो बरसों पहले तुमने अपने दिल पर रखा था, बेटी से जुदाई का।